हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमाद और आप देख रहा है स्मॉल टेक चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ, आप अपना पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक के साथ अपना एलपीजी सब्सिडी को कैसे लिंक कर सकते हैं, उसके लिए आपको कौन सा फॉर्म फिल करना होगा और कैसे फॉर्म को डाउनलोड करना होगा, पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हमारा चैनल पर एक छोटा सा गिव अवे चल रहा है। अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया तो मैं यहाँ ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, आप चाहो तो वहां से भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस फॉर्म को पूरा फिल करना होगा। इस फॉर्म को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो चलिए मैं आप लोगों को जाकर दिखाता हूँ। फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली गूगल पर सर्च करेंगे पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक। सर्च करने के बाद यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आप पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्री डॉट, आप भी सिंपली थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है, अबाउट, लोन, डिपॉजिट, सर्विस। आप यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल करते हुए थोड़ा नीचे आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलपीजी सब्सिडी, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड फाइल, आप इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। सबसे पहले आप अपना बैंक का नेम यहाँ ऊपर इंटर कर देंगे। ऊपर जो बॉक्स है आप उस बॉक्स पर एक एक करके इंटर कर देंगे। उसके बाद आप अपना ब्रांच का एड्रेस यहाँ पर इंटर कर देंगे। उसके थोड़ा नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं आप अपना अकाउंट नंबर को फुल यहाँ पर फिल कर देंगे। अकाउंट नंबर को फिल करने के लिए आपको इस साइड से शुरू करना होगा, एक एक करके सब कुछ फिल करना होगा, और जितना बॉक्स खाली बचेगा उसको आपको खाली छोड़ना है। उसके बाद आप थोड़ा नीचे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप अपना नेम को इंटर कर देंगे। पूरा इंग्लिश में फिल करना है पूरा फॉर्म को। उसके नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं योर एड्रेस, आप अपना एड्रेस को यहाँ पर फिल कर देंगे। सिटी, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड सब कुछ यहाँ पर फिल कर देंगे सही से। उसके नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं आप अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर इंटर कर देंगे। आधार कार्ड का नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला मेल और फीमेल। फिर आप अपना हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे आप मेल है या फिर फीमेल है। और उसके ठीक नीचे यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर को इंटर कर देंगे। मोबाइल नंबर ये ऑप्शनल है, इसको आप खाली छोड़ देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसके नीचे यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर कर देंगे। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पर आप डेट को इंटर कर देंगे, आप किस डेट पर इस फॉर्म को जमा कर रहे हैं उस डेट को यहाँ पर इंटर कर देंगे। सब कुछ सही से इंटर करने के बाद आप इस फॉर्म के साथ आप अपना आधार कार्ड को एक कॉपी करके ब्रांच में जमा कर देंगे। ब्रांच में जमा करने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर आपका जो एलपीजी सब्सिडी है वो आपके बैंक के साथ रजिस्टर हो जाएगा। आई होप दोस्तों वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे आप अपना पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक के साथ अपना एलपीजी सब्सिडी को कैसे लिंक कर सकते हैं। इसी तरह से और भी नया नया वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना, ताकि आगे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ वो आप सबसे पहले देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना और अपने फैमिली के साथ शेयर करना, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.